हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स और हमारा टॉपिक है कैलकुलस में डिफरेंशिएशन अवकलन। नेचुरली आप लोग को पता है कि हमारा डिफरेंशिएशन का सीरीज चल रहा है और मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में आपको डिफरेंशिएशन का अवकलन का पूरा बेसिक प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना, साइन एक्स का, एक्स टू द पावर एन का, ई टू द पावर एस का, सबका जो बेसिक फार्मूला कहाँ से आया ये मैंने डिराइव करके बताया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको मैंने एक फार्मूला का लिस्ट दिया था और ये भी बोला था कि एक दो रोज तक के बाद आप लोग को पूरा तैयार हो जाना चाहिए। आई होप आप लोग तैयार कर लिए होंगे। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक डिफरेंशिएशन, मतलब बिल्कुल डिफरेंशिएशन का स्टार्टिंग, ये छोटा छोटा डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ठीक है। और आज का क्लास इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो आप डिफरेंशिएशन करेंगे उसका टोटल बेस मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अपन करते हैं अवकलन, और अवकलन के कुछ छोटे छोटे एप्लीकेशंस आपको बताऊँ। अवकलन, डिफरेंशिएशन, देखो यहाँ पर जो फार्मूला का मैंने आपको लिस्ट दिया था, यदि वो सब फार्मूला अपन यूज़ करें तो उस फार्मूला को यूज़ करने के पहले कुछ फार्मूले मैं आपको और बता रहा हूँ और उस पर एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो इस बेस पर आप क्या है उसको डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो फार्मूला हम और यूज़ कर रहे हैं वो है योग तथा अंतर। योग तथा अंतर दैट मीन्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इस पर बेस्ड हम किस प्रकार से डिफरेंशिएशन के फार्मूला को यूज़ करते हैं। तो देखिए, सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है y और ये सपोज u प्लस माइनस v के फॉर्म में है, और भी हो सकते हैं, प्लस माइनस w हो सकता है, इस तरह बहुत से फंक्शन योग या अंतर के रूप में है। अब इसको यदि हम अवकलन करें, यदि हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करें तो इसको हम लिखेंगे dy by dx इक्वल dy dx ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस v, दोनों पक्षों का अवकलन हो जाएगा। और जब ये अवकलन होगा तो सबका अलग अलग अवकलन होगा, किस तरह से, d by dx ऑफ u प्लस माइनस dv by dx प्लस माइनस dw by dx, इस तरह से, या जितने भी फंक्शन होंगे। फॉर एग्जांपल, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि कैलकुलस में हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल बेसिक इतना स्ट्रांग हो कि आगे चल के हम अवकलन के कठिन चीज़ों पर पहुँचें या समाकलन करें तो आपको तेजी से होना चाहिए। इसलिए मैं बेसिक चीज़ों को भी बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सपोज y इक्वल टू, अपने पास कोई क्वेश्चन है, ये है सपोज साइन x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस लॉग x, ये क्लियर। ये मान लो हमारे पास y का कोई फंक्शन है जिसमें यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, अब इसको हमको अवकलन करना है। तो नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y, विथ रेस्पेक्ट टू सपोज x, अब x का रेस्पेक्ट में यदि हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे dy by dx और राइट साइड को भी लिखेंगे d, ये सब लिखने का पैटर्न आप ध्यान रखिए ना। तो dy by dx ऑफ साइन x प्लस एक्स स्क्वेयर और माइनस लॉग x, दैट इक्वल, अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सब अलग अलग डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, दैट मीन्स ये dy by dx ऑफ साइन x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इस तरीके से सबका अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बाकी आप, अब आपको फार्मूला रटा हुआ याद रहेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, ये पता रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किससे होगा, इस फार्मूला से होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, इस फार्मूला से होगा। तो एन का वैल्यू क्या है यहाँ पर, टू, तो 2 यहाँ पर सामने आ जाएगा n के जगह, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 और माइनस लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, क्लियर। इस तरह से d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x क्या होता है, 1 अपॉन x होता है। अब इसको हम थोड़ा और सरल कर लें तो दैट इक्वल, ये हो गया cos x प्लस 2x दो ऋण एक और माइनस 1 अपॉन x, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, योग और अंतर में तो कुछ रखा ही नहीं है, तो मैं एक एक करके आपको इसके एडिशन सब्सट्रैक्शन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर डिवीजन का फार्मूला बता दूं, उनके एक एक दो क्वेश्चन बता दूं,
फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, अवकलन के में फलनों का फलन, जिसमें हम चैन रूल पढ़ेंगे, वो आज बेसिक चीज़ आज के क्लास में मैं पूरा आपको बता रहा हूँ। चलिए, फार्मूला तो आप लोग का याद हो गया होगा, और यदि नहीं हुआ है तो फार्मूला आप लोग याद कर ही लीजिए, क्योंकि कैलकुलस बिना फार्मूला के कुछ भी एक लाइन भी नहीं लिख सकते आप, हर लाइन पर अपने को फार्मूला चाहिए। इस मैथमेटिक्स में फार्मूला रट लिए तो आपका कैलकुलस का आधा काम ऐसे ही कंप्लीट हो गया समझ लीजिए, बस उसके बाद आपको प्रोसेस और टेक्निक समझना है। सेकंड, गुणा मल्टीप्लीकेशन का, यदि मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हमारा फंक्शन है तो किस तरह से उसका डिफरेंशिएशन होगा, देखिए। जैसे y इक्वल टू अपने पास है मान लो u इंटू v, एक फलन यहाँ पर u है और दूसरा फलन v है और दोनों का गुणा हो रहा है, फलन सपोज इस फॉर्म में है। अब यदि इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है तो नाउ डिफरेंशिएट करने पर इसको हम लिखेंगे dy by dx इक्वल, राइट साइड को भी लिखेंगे dy dx ऑफ u इंटू v। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान रखना, अभी जैसे प्लस या माइनस था तो सबको अलग अलग डिफरेंशिएशन हो गया था, अब ऐसा यहाँ पर नहीं होता, अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा। u को आप पहला फलन मान लो और v को दूसरा फलन मान लो, तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन मतलब u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब v का डिफरेंशिएशन, इसके बाद फिर लिखेंगे v और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन होता है। ये फार्मूला है, जब इन टू के फॉर्म में रहे तो प्रथम द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय प्रथम कलन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस तरह से होता है। अब इस फार्मूला को हम यहाँ पर यदि एग्जांपल में अप्लाई करें तो सपोज y इक्वल टू कहीं पर लिखा है रूट एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, मान लो इस तरह से हमारे पास डिफरेंशिएशन हमको करना है। अब नेचुरली आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो रूट एक्स है ये किसके फॉर्म में है, यू के फॉर्म में है, ये यू है और ये क्या है, वी है। अब इस फार्मूला को वहाँ पर अप्लाई करें तो क्या होगा, देखिए, नाउ डिफरेंशिएट है ना, ऐसा लिखना जरूरी है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, आपको ये बताना जरूरी है कि किसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, आगे ये जो फार्मूला है देखो पहले क्या है u, तो u क्या है अपने पास रूट एक्स, ये हमने लिख दिया रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ v क्या है e टू दी पावर x प्लस, मैंने आपको फार्मूला में मान भरना है e टू दी पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इस तरह से हो जाएगा, क्लियर। दैट इक्वल, अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो रूट एक्स तो रूट एक्स रहेगा, e टू दी पावर x का अवकलन होता है e टू दी पावर x, ये फार्मूला के चार्ट से आपको पता रहेगा, तो ये अपन लिख दिए। फिर हो गया e टू दी पावर x और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, ये तो ऐसा डिफरेंशिएशन है कभी आपको इसको सिखा रहे हो इसको रट डालो, पूरा इसको रट डालो आपको पूरा याद हो जाए। देखो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, रूट मतलब क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर 1 अपॉन 2। अब यहाँ पर ये 1 अपॉन 2 क्या है, n का मान है, तो उस फार्मूले से अपन करेंगे तो 1 अपॉइंट 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 अपॉइंट 2 माइनस 1, ऐसा होगा। इतना लेंदी आपको नहीं करना है, वो तो अभी आपको बताऊंगा, याद कर लेना है, मैं इसको समझा रहा हूँ बस। आगे हो जाएगा 1 अपॉइंट 2 एक्स का पावर 1 अपॉइंट 2 माइनस 1, माने माइनस 1 अपॉइंट 2 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉइंट 2 नीचे चला आएगा, तो 1 अपॉइंट 2 एक्स टू द पावर 1 अपॉइंट 2, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉइंट 2 रूट ऑफ एक्स। अब आप सोचो कि कहीं पर यदि आपको रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो, वैसे अपने चार्ट में अपने फार्मूला के चार्ट में मैं ये कलेक्शन में आपको दिया हूँ, मुझे याद है, उसको आप याद कर लो, हालांकि उसको याद करने का नहीं हो तो हो रहा है लेकिन याद हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो होता क्या है, अभी स्टार्टिंग में हम बहुत आराम से डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन जैसे ही हम बहुत बड़े फंक्शन में और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में पहुँचेंगे तो बहुत से डिफरेंशिएशन हमसे ओरल हो जाना चाहिए। और ये कब पॉसिबल है, जब इस तरह से आप प्रैक्टिस जीरो से स्टार्ट करिए। एक इम्पॉर्टेंट बात आप मेरा सुन लीजिए, यदि आप मेरे साथ कैलकुलस को स्टेप बाय स्टेप यदि मेरे साथ आप वर्क करते हैं तो कुछ दिनों बाद आप देखना कि बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे ओरल डिफरेंशिएशन होते रहेंगे, लेकिन बस कुछ चीज़ें जो मुझे चाहिए
पहला फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, दूसरा इस तरह से छोटे छोटे फंक्शन के डिफरेंशिएशन आपको प्रैक्टिस से याद हो जाने चाहिए, फिर बहुत तेज़ी से आप डिफरेंशिएशन कर पाओगे और मज़ा बहुत आएगा आपको। तो कहीं पर भी यदि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमको करना है तो ये कुछ करने का नहीं है, आप उसको डायरेक्ट ये लिखो 1/2√x, ये आपको याद हो जाए। हुआ कैसा है ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, तो अब दोबारा मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। यदि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है तो आपको याद हो जाना चाहिए 1/2√x ये, और मैंने इसको फार्मूला के चार्ट में भी इसीलिए दे दिया है ताकि स्टूडेंट उसको याद कर ले, तभी तो फास्ट हो पाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं इसको 1/2√x, ये हो गया। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है तो आप देख लो, यहाँ से हम e^x कॉमन कर सकते हैं, e^x कॉमन कर लिए तो √x प्लस यहाँ पर e^x कॉमन हो गया 1/2√x, इस तरह से ये क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन वाले फॉर्म का, यदि दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो तो डिफ्रेंशिएशन इस तरह से होता है। अभी मैं फार्मूला और एक एक क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, फिर अच्छे क्वेश्चन की आपको मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक क्लियर, अब हम देखते हैं भाग का, अब हम देखते हैं कि भाग का डिवीजन का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से होता है। डिवीजन के डिफरेंशिएशन का भी फार्मूला है और वहाँ पर हम फार्मूला में पुट अप कर देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, थर्ड फार्मूला इज भाग के लिए, दैट मीन्स डिवीजन, डिवीजन के लिए भाग के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो सपोज हमारा क्वेश्चन y=u/v के फॉर्म में है, ये एक फंक्शन अंश में है, हर में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो इस तरह से होगा dy/dx=, देखो यहाँ पर हर मतलब डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ये फार्मूला है, और माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, ये फार्मूला है। तो फार्मूला को आपको लर्न करना है, रटना है, dy/dx=, ये देखो डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है, फार्मूले आपको प्रॉपर याद होना चाहिए। बार बार देखो मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, कई बार आपको याद दिलाता हूँ फार्मूला बस यही बोलते रहता हूँ, तो फाइनली आपको मेरी बात को मानना है, उसके बाद सब बहुत आसान है। ये फार्मूला है, अब इस फार्मूला पर हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन, देखो फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन है y=, सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिया log(x/x), ये मैंने एक क्वेश्चन लिया log(x/x), तो आप फार्मूला से आप कंपेयर करेंगे तो log(x) क्या है, न्यूमिनेटर में है, माने काहे का वैल्यू है, u का, और x डिनोमिनेटर में है, माने किसका वैल्यू है, v का वैल्यू है। अब इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, देखो नाउ डिफ्रेंशिएट, ये हो जाएगा dy/dx=d/dx log(x/x). अब यहाँ पर हम इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो v, तो v क्या है अपने पास, x(d/dx)u मतलब log(x) माइनस, अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, log(x)(d/dx)x और अपान इसका x का स्क्वायर, ये हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक, दैट इक्वल आगे इसको हम सॉल्व करें, x(d/dx)log(x) क्या होगा, 1/x होगा, ये फार्मूला है, और माइनस log(x) और ये x का डिफरेंशिएशन पावर 1 है तो कितना हो जाता है 1, d/dx(x) मतलब dx/dx हमेशा क्या होगा 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, तो इसको ऐसे लिखोगे 1 × x^(1 − 1, 1 × x^0, 1 × 1 = 1, ये प्रॉपर मेथड से हुआ है। और बहुत लोग dx/dx(1) क्यों आए भाई, दोनों कैंसिल आउट, दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं होता। कई लोग ऐसा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, मुझे मालूम है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि टीचर्स बता दिए dx/dx(1) क्यों होता है, अरे भाई दोनों कैंसिल आउट हो गया ना, यहाँ कोई रेशियो नहीं है, यहाँ कोई अनुपात नहीं है कि आप उसको कटा दोगे, वो ऐसे हुआ है n × x^(n−1) के फार्मूला से हुआ है। ऐसा चीज़ों को रॉन्ग कॉन्सेप्ट में समझ के आंसर ले आने से काम नहीं चलता, आप गलत कॉन्सेप्ट अप्लाई किए, आंसर आ गया और आप खुश हैं कि मेरा तो क्वेश्चन बन गया, फिर बाद में आपको परेशान करे, है ना। तो
कॉन्सेप्ट राइट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा डिफ्रेंशिएशन हुआ है। और अपान क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर दैट इक्वल एक्स एक्स यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो हो जाएगा वन माइनस लॉग एक्स अपान एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से, वन माइनस लॉग एक्स अपान एक्स स्क्वायर। तो ये है अवकलन का भाग का फार्मूला। तो मैंने आपको योग और अंतर का, एडिशन सब्सट्रैक्शन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, गुणा का, फिर डिवीजन का, भाग का फार्मूला बता दिया। अब इस बेस पर यदि आपको फार्मूला याद है तो बहुत से क्वेश्चन आपसे ऐसे ही बनने लगेंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें होता है वो है फलनों का फलन, जिसको हम चैन रूल कहते हैं, और दो फंक्शन के साथ, लेकिन उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज मैं चाह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैंने, जो फार्मूला भी मैंने बताया है, इस पर मैं कुछ क्वेश्चन का आपको एक्सरसाइज करा दूँ, क्योंकि मेरा ऐसा प्लानिंग है कि स्टार्टिंग में आप बेसिक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। अब भी मैं आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन इसी क्लास में बता दूं तो सब इधर का उधर हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, और उस क्वेश्चन के हेल्प से अपन आज सीखते हैं केवल सिंपल डिफ्रेंसिएशन। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन अपन लेते हैं, और कहीं गुणा लगेगा, कहीं भाग लगेगा, कहीं कुछ भी लगेगा, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम। चलिए तो कुछ क्वेश्चन अपन लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। कुछ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन अपन लेते हैं, देखो, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स वाई इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स 3x स्क्वायर लॉग एक्स अपान, इसके अपान में है x स्क्वायर, क्लियर, इसके अपान में x स्क्वायर। अब जैसे ही आपको एक क्वेश्चन मिलेगा तो आपका ध्यान क्या जाएगा कि ये भाग वाला है u अपान v, और नेचुरली है उसे बन जाएगा। लेकिन और तरीका भी हो सकता है कि हम चाहें तो एक्स स्क्वायर को सब में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखो, डिवीजन वाला फार्मूला बहुत लेंदी होता है, आपने देखा है, तो उसके बजाय हम यहाँ पर डिवीजन अलग से कर सकते हैं। तो अपना अपना तरीका है बनाने का, देखो। देयरफॉर इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपान एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। आगे हम इसको लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू, ये पावर ऊपर जाएगा, x टू दी पावर माइनस टू प्लस, इसमें एक x कटेगा तो 2 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस वन, और प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर कटेगा तो 3 इंटू लॉग एक्स। इस तरह क्वेश्चन को पहले हम इजी कर सकते हैं। तो तुरंत डिफ्रेंशिएशन करने के बजाय आपको क्वेश्चन को पहले इजी कर लेना चाहिए, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएट, अब हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स, और सबका अलग अलग कर देते हैं, मैं लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर माइनस टू प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स टू दी पावर माइनस वन प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ थ्री इंटू लॉग एक्स, ये कर लिया। दैट इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स, अब आप करते जाओ, यहाँ पर देखो n का वैल्यू माइनस टू है, तो क्या फार्मूला लगेगा, माइनस टू इंटू एक्स टू दी पावर माइनस टू माइनस वन एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या आ जाएगा, टू इंटू, अब सामने आ जाएगा माइनस वन, इस तरह से माइनस वन इंटू एक्स टू दी पावर माइनस वन माइनस वन, और प्लस थ्री, और डी बाई डी एक्स, थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, कॉन्स्टेंट हमेशा क्या है बाहर आ जाता है, जैसे यहाँ पर टू आ गया, यहाँ पर थ्री आ गया, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वन अपॉन एक्स, क्लियर। अब इसको हम सॉल्व कर लें, तो माइनस टू एक्स टू दी पावर माइनस थ्री, यहाँ पर माइनस हो जाएगा टू एक्स टू दी पावर माइनस टू, और प्लस थ्री अपॉन एक्स। इसको यदि हम सब ऋण पावर को यदि नीचे ले जाना चाहें तो माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से, क्लियर। एक बार आंसर टेली कर लें अपन, माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब
माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन एक्स। तो ऐसा किया जा सकता है, इसी को कहीं चाहता तो इतने को यू मान लेता और इसको भी, तब भी क्वेश्चन बनता लेकिन बहुत लेंदी हो जाता है। तो आपको ये सब पहचानना, ये प्रैक्टिस का मैटर है, डिफ्रेंसिएशन में आपको प्रैक्टिस करते करते पता चल जाएगा कि कहाँ पर मैं किस तरह का फार्मूला अप्लाई करूँ। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मैं चाहता हूँ कि आपको डिफ्रेंसिएशन की छोटी छोटी बातों को बता दूँ और आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक में जब एंट्री करूँ तो आप बहुत अच्छा, आपका कमांड हो चुके रहना चाहिए बेसिक चीज़ों पर। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन अपन देखते हैं इसमें, जिसमें हमको थोड़ा दिमाग लगाना होता है प्रूफ करने के लिए, कुछ एडजस्टमेंट करना होता है। ठीक है, तो इस तरह का हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। बाकी आप तो ये तो समझ गए कि भाग कैसे कर रहे हैं अपने। देखो एक अच्छा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, y इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। y इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एंड सो ऑन। यदि ऐसा दिया है अपने को और x का अपान में कुछ नहीं, तो देयर फॉर अपने को प्रूफ करना है, ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमको प्रूफ करना है y, प्रूफ दैट, ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको दिया है और ये बात हमको प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दो मेथड से बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मेथड नंबर फर्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, हालांकि दो लाइन का है लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो मेथड फर्स्ट में सबसे पहले हमने क्वेश्चन को ले लिया y इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एंड सो ऑन। अब हम क्या किए, इसको डिफ्रेंशिएट किए, तो नाउ डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ वन, सबका अलग अलग होगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री और प्लस एंड सो ऑन। ये सब का अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिए, देयरफॉर ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ सी, ये मेरे फार्मूला की लिस्ट में आपने पढ़ा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट जीरो, ये जीरो होता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, जीरो, यहाँ पावर वन अभी बताया मैं, ये वन हो जाएगा, प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू को हमने बाहर कर दिया, कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स, प्लस यहाँ पर वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री को मैं कॉमन कर दिया, एक्स क्यूब का हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। अब इतना तो आप समझ रहे हो कैसे होगा, एन इन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एंड सो वन, दैट इक्वल जीरो को हटा दो, ये हो गया वन प्लस टू फैक्टोरियल टू का मान टू होता है, कट जाएगा तो एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पर ध्यान देना ये थ्री को मैं फैक्टोरियल से बाहर करूँगा, तो थ्री को बाहर करूँगा फैक्टोरियल से तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल टू और इंटू थ्री एक्स स्क्वायर, क्योंकि फैक्टोरियल को आप पता है सॉल्व करते हैं ये थ्री थ्री कट गया और प्लस एंड सो वन, दैट इक्वल, अब देखो अगेन क्वेश्चन हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, तो इसको हम दोबारा क्या लिख सकते हैं y, और यही हमको प्रूफ करना है, ये हो जाएगा प्रूफ। इसको जितने बार डिफ्रेंशिएट करो उतना ही आएगा, ये हो गया फर्स्ट मेथड। दूसरे मेथड से मैं आपको देखो एक कॉन्सेप्ट को लेके बता रहा हूँ किस तरह से, ये मैंने क्वेश्चन को लिया, ठीक है, मेथड नंबर टू ये मैं y लिया, और ये जो यदि आपको फार्मूला याद हो तो इसका जो राइट हैंड साइड है वह e टू दी पावर x के बराबर है, ये मैंने आपको लिमिट में बताया था कि ये e टू दी पावर x का फार्मूला है जिसको एक्सपोनेंशियल सीरीज कहते हैं। तो राइट हैंड साइड को हम e टू दी पावर x लिख सकते हैं। अब इसको करो डिफ्रेंशिएशन, तो नाउ डिफ्रेंशिएट dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x, और हमको पता है कि e के घात ex का डिफ्रेंशिएशन e टू दी पावर x होता है, और e टू दी पावर x ही क्या है y, तो इसको y लिख सकते हैं, ये प्रूव हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीका हो गया, मतलब मैंने इस फार्मूला को सिर्फ क्या लिख दिया, e टू दी पावर x लिख दिया। तो कैलकुलस जादू है, बहुत मजा आने वाला है आपको, बस मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ
मेरा इतना लॉन्ग एक्सपीरियंस है, मेरे स्टूडेंट्स कैलकुलस पढ़ के जाने के बाद, आपको बोलूँगा तो आपको हंसी आएगी, बाद में पढ़ाते हैं जब कॉलेज में जाते हैं ट्वेल्थ क्लास के बाद, तो जब टीचर्स के सामने कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में या बीएससी कुछ भी करने जाते हैं, इतना फास्ट डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन करते हैं कि कई बार बहुत से टीचर ने पूछा है कि भाई तुमको किसने पढ़ाया है, लेकिन वो मेरे से नहीं होता। आप ऐसा मत समझना कि मेरे कराने से ऐसा हो जाएगा, टोटल आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। मैं तो आपको इतने तरीके बताऊंगा, एक आध दो लेक्चर मेरा होने दीजिए कैलकुलस पर, इतने तरीके आपको बताऊंगा कि बिल्कुल आप डूब जाओगे कैलकुलस में, और एनी टाइम आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने में मज़ा आएगा और बहुत तेज़ी से कर पाओगे। मेन स्पीड है, कर कोई भी लेता है 10 स्टेप 20 स्टेप 22 स्टेप में बनाते रहते हैं, 3 स्टेप 4 स्टेप में फटाफट डिफरेंशिएशन होना चाहिए, तो आप कॉम्पिटिटिव में कुछ कर पाओगे। लेकिन आपका मुझे कोऑपरेशन चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे कराने से हो जाता है, ऐसा नहीं है। मेरे कराने से कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी नहीं कर पाते, टोटल आपकी प्रैक्टिस पर है। जिसमें दो चार चीज़ें मैं आपसे चाहूँगा, जिसमें पहला मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, वो फार्मूला को तो इतना ज़्यादा रटना चाहिए कि मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारा नाम कोई पूछेगा तो हम कन्फ्यूज़न में नहीं आएंगे कि हमारा नाम क्या है, उतने कॉन्फिडेंस से फार्मूला होना चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ और इसमें अच्छे क्वेश्चन देखते हैं अपन, जो डिफ्रेंशिएशन करके। इसके बाद आपके पास कोई भी प्रैक्टिस बुक होगा, एनीवन, बार बार जैसे कई स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं कि सर कौन से बुक से पढ़ें, कोई बुक को क्लासिफाई करने का जरूरत नहीं, हर राइटर ने अच्छा लिखा है। एक बुक पकड़ो, लगन से करो उसको, एनसीईआरटी कर लो, आरडी शर्मा कर लो, आरएस अग्रवाल कर लो, कोई भी आपका रीजनल बोर्ड का बुक है वो कर लो, कोई भी बुक, जो बुक आपके हाथ में है, क्वेश्चन पकड़ो, प्रैक्टिस करो। सबसे पहले तो आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, बाद में फिर मैं अच्छे राइटर्स आपको बताऊंगा जिसमें आप आईआईटी जेई के लेवल पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले तो बेस स्ट्रांग होना चाहिए ना। चलो एक और इस तरह से प्रूफ करने वाले क्वेश्चन अपन देखते हैं। y = √x + 1/√x, ये हमको गिवन है और यहाँ हमको प्रूफ करना है। नाउ प्रूफ, या प्रूफ दैट, हमको प्रूफ करना क्या है, देखो 2x dy/dx + y - √x = 0। ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ आज तक ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत से बोर्ड में पूछा जा चुका है, बहुत बार, क्योंकि करना डिफरेंशिएशन है लेकिन इसमें सेट करना है, इस फॉर्म में ये गिवन है और इस फॉर्म में आपको इसको प्रूफ करना है, क्लियर। तो चलिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले अपन प्रूफ करना है इसका। तो हमने क्वेश्चन को ले लिया y = √x + 1/√x, क्लियर यहाँ तक। अब नेचुरली आपको दिख रहा है कि जो हमको प्रूफ करना है उसमें एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट करो सीधा और कुछ नहीं करना है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x का सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी ऐसा लिख सकते हैं, इतना चलता है ना, मैथ्स में चलता है इतना। तो dy/dx = हो जाएगा d/dx √x + d/dx 1/√x, ऐसा कर सकते हैं, क्लियर। अब यहां पर देखो दैट इंप्लाइज dy/dx = √x का डिफरेंशिएशन अभी आपको मैंने बताया 1/√x, ये हो जाएगा। और यहाँ पर रूट एक्स मतलब ऊपर जाएगा, यहाँ पर अलग से करके बता देता हूँ, तो d/dx = x^-1/2 होगा, -1/2 होगा, तो उस कंडीशन में फिर क्या हो जाएगा, देखो -1/2 × x^-1/2 -1/2 × x^-3/2, ये डिफरेंशिएशन होगा इसका। तो रफ में मैंने आपको बता दिया, लिख में यहाँ पर डायरेक्ट रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा -1/2 × x^-3/2, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर। अब देखो, अब आपको जो प्रूफ करना है उसको आपको देखते रहना है। इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक बता दूँ फिर मैं आपको बताऊंगा, आप खुद कंपेयर करना कि कौन ज़्यादा आसान होगा, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो dy/dx में 2x मल्टीप्लाई है, प्रूफ करने वाले को आप देखते रहो,
तो पूरे इक्वेशन में मैं 2x मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2x बोथ साइड। तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो गया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे एडजस्ट करना है क्वेश्चन को, जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका कोफिशियंट मैंने 2x दे दिया, यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा और x अपान रूट x इस तरह से आएगा, x अपान रूट x, जिसको हम लिख सकते हैं रूट x, क्योंकि x को रूट x इंटू रूट x लिख सकते हैं। तो ये हो गया रूट x, ये हो गया माइनस, यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा और x मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर x का पावर -3/2 है और एक x मल्टीप्लाई होगा उसका पावर इसके साथ ऐड होगा, तो x टू दी पावर कितना हो जाएगा, -3 प्लस 2 मतलब -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया x टू दी पावर -1/2, जिसको हम लिख सकते हैं 1/√x, इसको हम लिख सकते हैं 1/√x। तो ये मैं रफ में सिंप्लीफाई कर करके बता रहा हूँ, आ रहा है आपको समझ में, लिखना आपको डायरेक्ट है, रफ में ऐसा कर सकते हैं या धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप ओरल भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक पहुँच गया अपन, देखो अब क्या करना है, प्रूफ करने वाले को देखो, y हमको क्रिएट करना है और इधर आके उसको प्लस होना है तो माइनस वाई, तो ये -1/√x अपने पास है, यदि इसमें मैं -√x कर दूं और +√x कर दूं तो एडजस्टमेंट हो जाएगा कैसा, देखो 2x dy/dx इक्वल, इसको मैं क्या किया √x -1/√x और -√x किया और +√x किया, ऐसा कर सकते हैं अपन, और सेम नंबर को प्लस कर दिया, ये काम कर दिया। अब ऐसा करने से क्या हो गया, देखो 2x dy/dx इक्वल टू, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना ना, ये दोनों में से मैं माइनस को कॉमन किया, वो दोनों से माइनस को कॉमन किया और यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस कॉमन किया, तो हो जाएगा, इसको पहले लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा √x और +1/√x हो जाएगा और √x + √x कितना हो जाएगा 2√x हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज 2x dy/dx इक्वल, ये √x + 1/√x किसके बराबर है, y के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं -y + 2√x, दैट इम्प्लाइज -y को इधर ट्रांसफर कर दूं तो 2x dy/dx + y - 2√x = 0, और यही क्या करना है आपको, प्रूफ करना है, ये प्रूफ्ड हो गया। तो इस तरीके से इसको अपन प्रूफ करेंगे। तो देखो खाली सिंपल डिफरेंशिएशन तो अलग मैटर है, वो तो आपसे बन ही जाएगा, ये जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं और इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, तो इस तरह के क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्वेश्चन तो मैं हजारों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए, अभी शुरू शुरू का क्लास है, अभी धीरे 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 क्या है, अभी हड़बड़ाना मत, जितनी बात मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से करो और साथ में क्या है, आप थोड़ा अपने बुक से क्वेश्चन ले लेके डिफ्रेंशिएट करो फार्मूला रटने के बाद। चलिए मैंने बोला था कि इसको मैं दूसरे मेथड से भी बता दूंगा, ये समझो मेथड नंबर फर्स्ट है। चलो एक मेथड से और मैं बताता हूँ आपको, यदि इजी हो जाए तो वैसा करना, सोचने के बहुत तरीके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो मैं मिटा दूँ, इसको इरेज कर, समझ गए होंगे आप, बना भी सकते हैं, स्क्रीन शॉट का जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स तो आप सीधा मेरे साथ में सीखो और वीडियो को एक बार देख लो, दो बार देख लो, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं इसका सेकंड मेथड, मान लो कोई स्टूडेंट इसको ऐसा सोचे तो कैसे बनाएगा। स्टेप्स देखो किसमें कम होगा ज़्यादा होगा, और कम ज़्यादा के साथ साथ स्टेप इजी भी होना चाहिए। तो ये मैं कर रहा हूँ मेथड नंबर 2। तो ये क्वेश्चन ले लिया और इसको मैं किया दैट इम्प्लाइज वाई इक्वल, यहाँ पर ले रहा हूँ मैं एलसीएम, दोनों का लघुत्तम ले रहा हूँ तो रूट एक्स एलसीएम आएगा, ये हो गया रूट एक्स, क्लियर। और अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स हो जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया, देखो अभी मैंने ऐसा नहीं किया था, अभी मैंने कुछ और किया था, मतलब तरीके हैं, सोचो। मैं बार बार 2-3 मेथड इसलिए बता रहा हूँ कि सोचो, मैथमेटिक्स बोलता है सोचो अपने तरीके से। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं डिवीजन के यहाँ पर फार्मूला लगा सकता हूँ, लेकिन वो भी नहीं लगा रहा हूँ मैं, और इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, या डिवीजन का फार्मूला लगा सकते हैं, चलो लगा दो। नाउ डिफरेंशिएट, अब अवकलन कर रहा हूँ मैं, नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स,
तो लेफ्ट साइड में मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखो आपका ये पूरा क्या है, u है और ये क्या है, v है। तो फार्मूला मैंने क्या बताया, v मतलब रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ u माने x प्लस वन माइनस v x प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स और बटे हर का वर्ग माने रूट एक्स का वर्ग। ये u अपॉन v का फार्मूला लगा दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। देखो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स अब क्या होगा, देखो ध्यान देना, रूट एक्स तो रूट एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन वन होगा और वन का जीरो माने वो ख़त्म, तो क्या बचा यहाँ से, रूट एक्स बचा और माइनस ये है एक्स प्लस वन इंटू ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स होगा और रूट एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का एक्स। अब एक्स को इधर ट्रांसफर कर दो, हो गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल। अब यहाँ पर टू रूट एक्स को एलसीएम लो इन दोनों में, तो टू रूट एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया टू एक्स, और इसके साथ तो कुछ भी नहीं होगा तो माइनस एक्स माइनस वन और ए तो इधर ट्रांसफर हो गया है और रूट एक्स क्या है इसका एलसीएम टू रूट एक्स, तो टू रूट एक्स क्या रहेगा इसका एलसीएम रहेगा। क्लियर यहाँ तक, दैट इम्प्लाइज। अब आप देखो यहाँ से टू को ट्रांसफर करो इधर, यहाँ से टू को ट्रांसफर करो इधर तो हो जाएगा टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स और रूट एक्स को मैं ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ, रूट एक्स को वहीं रखा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस एक्स माने एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स, ये हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल। अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब आपको दोनों को उसमें अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को अलग अलग डिवाइड करोगे तो इसका इसके साथ में डिवाइड करोगे तो आएगा रूट एक्स और इसके साथ डिवाइड करोगे तो माइनस वन अपॉन रूट एक्स। अब यहाँ पर वही काम करना पड़ेगा जो मैं पीछे किया था, क्या कि प्लस रूट एक्स माइनस रूट एक्स, दैट इम्प्लाइज टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये रूट एक्स और माइनस वन अपॉन रूट एक्स, इसे माइनस कॉमन करूँगा, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ थोड़ा, तो माइनस वाई हो जाएगा और ये दोनों प्लस टू वाई प्लस टू रूट एक्स, ये दोनों ऐड होके देयरफॉर आप प्रूफ कर चुके हो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस टू रूट एक्स इक्वल टू जीरो, ये प्रूफ हो जाएगा। तो मैं मेथड को थोड़ा चेंज किया यहाँ पर डिवीजन किया, तो कुल मिला के देखो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है दोनों में क्योंकि फाइनली हम उसी शेप में पहुँच गए। तो कुल मिला के डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बाकी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर, तो ये एक तरीका हो गया और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, देख लिए समझ में आ जाएगा कुछ। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और लेते हैं अपन। कि इतना क्वेश्चन तो आप कर लिए, आपको आप प्रैक्टिस का ही जरूरत है, मेन फार्मूला के साथ प्रैक्टिस का ही आपको जरूरत है फार्मूला के साथ, ठीक है। तो चलिए किसी तरह के एक और क्वेश्चन करते हैं इस क्वेश्चन के बाद। मैं आपको देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कैलकुलस में तो क्वेश्चन का भंडार है, अथाह सागर है, समुद्र है, तो मैं जितना क्वेश्चन आपको कराऊँगा वो सेलेक्टेड कराऊँगा। मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको दूँ कि मेरे लिमिटेड टाइप के वीडियो देख के भी आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हाँ कई बार आपसे चर्चा किया नंबर ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए देख क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला। वाई इक्वल टू एक्स अपान एक्स प्लस फोर, वाई इक्वल टू एक्स अपान एक्स प्लस फोर, देन प्रूफ दैट, तब हमको प्रूफ करना है एक्स डिवाइड बाई डी एक्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई वन माइनस वाई वाई वन माइनस वाई, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर, देख लो ऊपर में क्वेश्चन गिवन है, ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ करने में आपको डी वाई बाई डी एक्स लाना है, समझ गए, हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है।
चलो तो यह भी इसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी मैं बताया, लगभग उसी तरह भी बहुत बार आया चुका है एग्जाम में। y इक्वल टू एक्स अपन एक्स प्लस फोर, ये नेचुरली इसको देख के आपको पता चल रहा है सीधा इसमें अपने को भाग का फार्मूला लगाना चाहिए। ठीक है, तो भाग का फार्मूला लगाते हैं अपन सीधा डिवीजन वाला। देयर फोर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हर माने एक्स प्लस फोर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस फोर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और अपन एक्स प्लस फोर का स्क्वेयर, ये हमने कर दिया। यू अपन वी का फॉर्मूला लगा दिया सीधा, इतना तो आपको प्रैक्टिस हो गया होगा। दैट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स तो हो चुका, अभी एडजस्टमेंट करना है। देखो ये हो गया एक्स प्लस फोर, अब इसका कितना हो गया वन हो गया ये, ठीक है, और प्लस ये एक्स प्लस फोर, अच्छा फार्मूला गड़बड़ लगा दिया क्या, हर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना, इसके बाद एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस फोर, ठीक है ये होगा। तो एक्स प्लस फोर और इसका वन हो गया, यहाँ पर क्या रहेगा एक्स, एक्स का वन हुआ, फोर का जीरो हो गया और अपॉन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, डिफ्रेंसिएशन तो हो गया, अब आपको एडजस्टमेंट करते करते ये लाना है एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना लाना है। ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हैं अपन, देखो वाई वहाँ पर क्रिएट करना है, वन माइनस वाई क्रिएट करना है, तो अब हम इसका दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर। देखो ध्यान देना, दोनों में इसका अलग अलग डिवीजन करो, एडजस्टमेंट ही सब कुछ है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, इसमें इसका डिवाइड करूंगा तो एक एक्स प्लस फोर कैंसिल होगा, यहाँ पर हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस फोर ये होगा, और प्लस यहाँ पर एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर, एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर, टोटल कलाकारी एडजस्टमेंट में है बस। दैट इम्प्लाइज, अब देखो यहाँ पर प्रूफ करने में डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशियंट एक्स है, तो ये बताता है कि भाई पूरे में एक्स को मल्टीप्लाई कर दो तब तो इसमें एक्स आएगा। तो ये हो गया एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर, और यहाँ भी एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर होगा। दैट इम्प्लाइज एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स अपान एक्स प्लस फोर, हमारा क्वेश्चन है क्या है वाई है, ये हो जाएगा वाई, और प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर, इसको अपन पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। क्लियर, वाई वन माइनस वाई वाई, माइनस प्लस का कहीं मिस्टेक, अरे सॉरी फार्मूला में यहाँ क्या होता है माइनस, कई बार ध्यान में प्लस वाला फार्मूला चलता है यू इंटू वी वाला, तो ध्यान में वही रहता है, ये माइनस रहेगा ना, ये माइनस तभी तो सोच रहा था कहाँ गया ये। दैट इम्प्लाइज एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से वाई को कॉमन कर लूँ तो वन माइनस वाई, ये प्रूफ हो जाएगा। देखिए तो पूरा एडजस्टमेंट का टेक्निक है, एक बार यू अपॉन वी का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, उसके बाद वो वाई के फॉर्म में एडजस्टमेंट कर लिए, ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा जो लेक्चर था कम्प्लीटली मैंने डिफ्रेंशिएशन के बेसिक चीज़ों को बताने का कोशिश किया। आप फार्मूला याद करिए, जितना क्वेश्चन मैं बताया उसका प्रैक्टिस करिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके पास जो बुक है उसके छोटे छोटे क्वेश्चन का डिफरेंस, ऐसा मत समझना कि एग्जाम में नहीं आता है तो इजी है, इतना इजी क्यों, इजी से ही आपको कैलकुलस को स्टार्ट करना पड़ेगा। एक दिन आपका इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा कि छोटे छोटे डिफ्रेंशिएशन आपसे ओरल होने लगेगा, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बार बार मैं जाते जाते आपको सिर्फ प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो डिफरेंशिएशन आप फंक्शन पढ़ाएंगे, जिसको मैं चैन रूल के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि मैं सिंगल वर्ड में बोलूं तो जिसको चैन रूल में कमांड होता है उसको मान के चलो पूरा डिफरेंशिएशन में कमांड होता है। ये मेरे लेस्ट लेक्चर में आप देखोगे। ओके, थैंक यू।